नमस्कार। भाग 12 से हमें ज्ञात होता है कि नरेंद्र को ब्रह्म समाज में रुचि हो जाती है और वो उसकी कई क्रियाओं में भाग भी लेने लग जाते हैं। दूसरी बात ये कि क्योंकि उन्हें गाने में बहुत रुचि थी और अच्छे गायक थे, इसलिए ब्रह्म समाज के द्वारा उनको एक मंच मिल जाता है जहाँ पर वो ईश्वर के भजन गाया करते थे। फिर उनको ये भी हमें लेखक के द्वारा पता चलता है कि नरेंद्र उस समय की जो तत्कालीन सामाजिक स्थितियाँ थीं और जो उनके मुद्दे थे उससे काफ़ी विवलित रहते थे, जैसे कि बाल विवाह या विधवा विवाह, इसके बारे में उनका काफ़ी गहन चिंतन दिखाई पड़ता है। फिर उधर ये भी पता चलता है कि उनके पिताजी विश्वनाथ के ऊपर उनके अपने रिश्तेदार ये मुकदमा कर देते हैं कि जो उनकी पुश्तैनी हवेली थी वो विश्वनाथ जी पर उसका कोई अधिकार नहीं है, इस वजह से वो कहीं और किराए का घर लेने की सोच रहे हैं। इसके बारे में विश्वनाथ के माता पिता बात करते हैं। फिर 12वें भाग में हमने ये भी देखा कि नरेंद्र को एक जब भाषण का मौका मिलता है, अपने गुरुजनों के बारे में कुछ कहने का मौका मिलता है, तो वो एक और गहरी परिभाषा गुरु की देते हैं। उनका कहना है कि गुरु ऐसा नहीं है कि कुछ समय जब तक आप उससे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तभी तक वो आपके गुरु हैं, बल्कि गुरु और शिष्य का नाता ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि गुरु अपना गुरुत्व नहीं छोड़ता, वो हमेशा जब भी उसके शिष्य को ज़रूरत होती है ज्ञान देता है, इसलिए उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो अभी हमारे लिए गुरु है और बाद में नहीं है। अब हम देखते हैं आज से 13वां भाग और उसमें क्या होता है, नरेंद्र की कहानी कैसे आगे बढ़ती है। रामचंद्र दत्त अपने स्थान पर जड़ हुआ बैठा था, आंखें खुली थीं, किंतु वो जैसे कुछ भी देख नहीं रहा था। चारों ओर उसके मित्र परिचित तथा संबंधी बैठे थे, किंतु राम को उससे तनिक भी सांत्वना नहीं मिल रही थी। वो तो जैसे अकेला ही बैठा था, चारों ओर की यह भीड़ उसे परेशान ही कर रही थी। उसे लग रहा था कि वो लोग जैसे उसके वक्ष पर ही बैठे हैं, वो लोग हट क्यों नहीं जाते, वो लोग उसे अकेला छोड़ क्यों नहीं देते। सब मात्र आडंबर है, लोकाचार। उसको अब भी लग रहा था कि उसके अपने ही ये हाथ उसके शत्रु हो गए थे। संभव होता तो अपने इन हाथों को वो अवश्य ही दंडित करता, काट कर अपने इस शत्रुओं को इस शरीर से पृथक कर देता। क्या अधिकार था इन हाथों से उसके इस शरीर के रक्त पर पलने का, जिन्होंने उसकी अपनी बेटी को इस प्रकार गंगा में जल समाधि दे दी। कितना दुखी हुआ था वह जब उसके पिता ने नारिकेल डांगा का अपना पैतृक मकान बेच दिया था। पर यह तो वह आज ही समझ पाया कि वो कोई दुख नहीं था। ईंट पत्थर के मकान का क्या दुख, जो रोज बेचा और खरीदा जा सकता है, जो रोज बनाया और ढाया जा सकता है। पिता के धन की कमी हुई तो उन्होंने नारिकेल डांगा वाला मकान बेच दिया। राम ने डॉक्टर बनकर धन कमाया तो मधुराय की गली में ये नया मकान बनवा लिया, किंतु उसकी बच्ची तो कोई मकान नहीं है कि रुपया पैसा हो तो उसे लौटा लाया जा सके। किस काम आया उसका ये धन जो खोकी का इलाज नहीं करवा सका, किस काम आई उसकी डॉक्टरी जो अपनी ही बच्ची के प्राण नहीं बचा पाई। अब वह सब कुछ भी कर ले, खोकी वापस नहीं आ सकती। वो अपने इन्हीं हाथों से उसे श्वेत वस्त्र में लपेटकर नौका में बैठे गंगा के मध्य धार में छोड़ आया था। पानी के बुलबुले ऊपर आते थे तो उसे लगता था कि जैसे खोकी का स्वर ही उसे पुकार कर कह रहा है, बाबा मुझे बचा लो, मैं डूब रही हूं। नरेंद्र आकर राम के पास बैठ गया। दादा कुछ तो अपने आप को संभालिए, यदि आपकी ही ऐसी स्थिति रही तो बौद्धि को कौन संभालेगा। राम ने अधखुली आंखों से नरेंद्र की ओर देखा। यह भी तो कुछ समझता है या मात्र लोकाचार। मैं तो स्वयं को बहुत संभाल रहा हूं नरेंद्र, राम ने कहा।
किंतु सब कुछ अपने वश में तो नहीं है ना। राम चुप हो गया और नरेंद्र उसकी ओर देखता रहा। राम दादा ने ठीक ही कहा कि सब कुछ अपने वश में नहीं है, किंतु मनुष्य का सारा संघर्ष ही तो इस परवशता से मुक्त होने का है, सारा प्रयास ही अपनी इच्छा के अनुसार जीने का है। पर शायद राम दादा ये सब नहीं सोच रहे थे, उनके मन में किन्हीं और ही विचारों का मंथन चल रहा था। क्या सोच रहे थे वो? नरेंद्र, जब मेरे बाबा ने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी, अपना घर भी बेच दिया और हम तुम्हारे बाबा के संरक्षण में पहुंचे, तो मुझे बहुत दुख हुआ। अंततः राम बोला, मैं ये मानता था कि वो सब बाबा के ही कारण हुआ। यदि वो चाहते तो हमारी संपत्ति नष्ट होने से बच सकती थी और हम सम्मान पूर्वक अपने घर में रह सकते थे। और फिर जब मैं डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर कुनीन निरीक्षक की 40 रुपए की नौकरी पर नियुक्त हुआ, तो मेरी धारणा और भी दृढ़ हुई कि ये सारा भौतिक संसार मानवीय बुद्धि पर ही चलता है। बाबा ने ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने सब कुछ नष्ट किया। मैंने प्रयत्न किया तो धन कमाया, रसायनिकी पढ़कर मुझे और भी लाभ हुआ, मेरी आय बढ़ गई, नौकरी के साथ मैं निजी कार्य भी करता रहा हूँ। भौतिक सुख सुविधाएं एकत्रित की और भौतिक दर्शनों में खो गया, तब ईश्वर की मुझे तनिक भी आवश्यकता नहीं थी। मैं न केवल स्वयं नास्तिक हो गया था, वरन किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ईश्वर की चर्चा करने पर उसका अब उपहास करता था। राम ने अपने आंसू पोंछकर कहा, मुझे मालूम है दादा, नरेंद्र धीरे से बोला। आज सोचता हूं कि यदि अपनी संपत्ति की रक्षा ना कर सकने के कारण मैंने अपने बाबा को मूर्ख समझा, तो अपनी पुत्री की रक्षा ना कर पाने के कारण मैं भी तो महामूर्ख हूं। वो तो असहाय थे, धन संपत्ति के कानून और उसकी व्यवहारिकता को तनिक भी नहीं समझते थे। मैं तो डॉक्टर हूँ, मनुष्य के शरीर और उसके रोगों का विषय में सब कुछ जानता हूँ, तो फिर क्यों मैं उसके रोग से लड़कर उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सका? राम की आत्मग्लानी को नरेंद्र समझ रहा था। नरेंद्र ने हल्के से राम की हथेली को अपने हाथों में लिया। आप शरीर और उसके रोगों के विषय में ही जानते हैं दादा, शरीर की रक्षा और रोगों के प्रतिकार का कार्य आपने किया, किंतु आप प्राणों के विषय में तो कुछ नहीं जानते ना? आत्मा के विषय में तो आपको कोई ज्ञान नहीं है ना? तो आप प्राणों को कैसे बचा लेते, आत्मा को कैसे रोक लेते? राम को नरेंद्र की बात तर्क संगत लगी, वह कुछ और असहाय होकर बोला, हाँ ना मैं प्राणों के विषय में जानता हूँ ना आत्मा के विषय में, पर यदि तुम कहोगे कि मैं परमात्मा के विषय में कुछ नहीं जानता तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं मेरे बाबा उसे मानते थे, तो उसने हमारा घर बार छीनकर हमें निर्धन बना दिया, और जब मैं उसे नहीं मानता था तो जीवन में उन्नति करी, प्रगति की, पद पाया, धन सब कुछ मिला, तो फिर क्यों माने उसे कोई? और अब उसने मेरी आंखें मुझसे छीन ली, क्या वह मुझे मेरी नास्तिकता के लिए दंडित करना चाहता है? राम रुका अवश्य, किंतु नरेंद्र को कुछ कहने का अवसर न देते हुए पुनः बोला, या फिर तुमने ठीक ही कहा है, मैं प्राणों के विषय में कुछ नहीं जानता, आत्मा के विषय में कुछ नहीं जानता। शरीर को जानना काफी नहीं है, प्राण शरीर का अंग नहीं है, प्राणों की रक्षा से ही शरीर की रक्षा होती है। दादा, नरेंद्र धीरे से बोला, मैं तो अब तक यही जानता था कि आत्मा को जान लेना ही परमात्मा को जान लेना है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक हैं। ऐसे में आपको अपनी नास्तिकता छोड़ देनी चाहिए, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना चाहिए। पर मैं सोचता हूँ दादा, क्या आस्तिक हो जाने मात्र से मनुष्य का दुख नष्ट हो जाता है? क्या भक्तों को दैहिक, दैविक और भौतिक यातनाएं नहीं सहनी पड़ती? नरेंद्र ने रुक कर राम को देखा, दादा मेरे मन में हजारों प्रश्न है। लोग कहते हैं कि ईश्वर दयालु और करुणामय है, यदि ईश्वर करुणामय है और इस यातनामय संसार को भी उसी ने बनाया है,
तो उन दोनों में सामंजस्य कैसे बैठेगा? दयालु होकर वो अपनी सृष्टि के जीवों को इतने कष्ट क्यों देता है? मैं क्या जानू नरेंद्र, मैं तो कभी सोच ही नहीं पाया। मैं तो पदार्थों की रासायनिक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को जानने में ही इतना व्यस्त रह गया कि मैंने ईश्वर के लक्षणों को जानने का प्रयत्न ही नहीं किया। किंतु अब लगता है कि सृष्टि वहीं तक सीमित नहीं है जहां तक दिखाई पड़ती है। इस आवरण के पीछे भी कुछ है, शायद वही भगवान हो। नरेंद्र को लगा राम दादा की तर्क पद्धति बदल रही है। बहुत संभव है कि इससे उनको कुछ मानसिक शांति मिले, किंतु कहीं यह श्मशान वैराग्य मात्र ही तो नहीं है। मैंने ईश्वर की ओर पीठ कर ली थी, राम बोला, और अपने सांसारिक सुखों में मग्न हो गया था। क्या ईश्वर को मेरे सुख से ईर्ष्या हुई? उसने मुझे ये दुख इसलिए दिया कि मैं उसकी याद करूं, उसका भजन करूं? पर मैं तो उसे उस स्थिति में भी स्मरण कर सकता था, सुख में भी, खोखी के जीवित रहते हुए भी। उसने किसी दुष्ट पहलवान के समान अपनी शक्ति प्रदर्शन क्यों किया? मैं तो ऐसा नहीं सोचता दादा, ऐसी स्थिति में भी नरेंद्र प्रतिवाद किए बिना नहीं रह सका। तो फिर तो क्या सोचता है? राम उसकी ओर मुड़ा, जैसे उसे ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर उससे स्पष्टीकरण मांग रहा हो। मैं तो समझता हूँ कि वह इतना महान, विराट और उदात है कि हमारी पूजा उपासना अथवा भजन पूजन से उसे कोई अंतर ही नहीं पड़ता। वो हमारी उपासना, साधना और तपस्या से निरपेक्ष है। नरेंद्र ने रुककर राम की ओर देखा। दादा, यदि हम हिमालय के चरणों में बैठकर लगातार ये कहते रहें कि हिमालय तू बहुत ऊंचा है, तो उससे हिमालय की ऊंचाई बढ़ तो नहीं जाएगी। सागर तट पर बैठकर कहें कि सागर अनंत है, तो उसका विस्तार बढ़ तो नहीं जाएगा। तो फिर वो अपनी प्रशंसा क्यों सुनना चाहता है? राम के स्वर में दुखपूर्ण आवेश था। क्यों चाहता है कि हम उसकी स्तुति करते रहें? आपसे किसने कहा कि वो अपनी प्रशंसा और स्तुति चाहता है? नरेंद्र ने कुछ चकित होकर पूछा। हो सकता है दादा कि वह मनुष्य को कष्ट न देता हो, वह सब मनुष्य के अपने कर्मों का ही फल हो। किंतु यदि आपकी ही बात मान ली जाए, तो मैं समझता हूं कि चूंकि सुख के क्षणों में मनुष्य सांसारिकता में लिप्त होता ही जाता है, इसलिए ईश्वर कृपा पूर्वक उसे दुखों का भान करा देता है, ताकि वो अपनी सांसारिकता की नींद से जागे और सत्य की ओर आकृष्ट हो। हमें तो ईश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए कि वह हमारे लिए वो परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिनमें हमारे मन में मिथ्या सुखों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है और हम वास्तविक सुख की खोज में प्रवृत्त होते हैं। नरेंद्र के स्वर में कुछ अतिरिक्त उत्साह जागा। दादा, तभी तो संसार के महानतम भक्तों ने निर्धनता और कठिनाई के जीवन को आगे बढ़कर गले लगाया, इसलिए तो संन्यास को इतनी महिमा है। राम का मन अपनी चेतना से चिपके दुख से हटकर नरेंद्र के कथन की ओर गया। कथन की नवीनता उसके लिए अद्भुत थी। जीवन को इस दृष्टि से तो उसने कभी देखा ही नहीं था। क्या ईश्वर की ओर से भेजा गया दुख भी मनुष्य के लिए सुखों का मार्ग खोलने का ही साधन है? और ये उस बात उससे कौन कह रहा था? 16 वर्ष का नरेंद्र, जिसे आज तक वो निरा बालक मात्र ही समझता आ रहा था। शायद तुम ठीक कह रहे हो नरेंद्र, राम ने नरेंद्र को ऐसे देखा जैसे पहली बार अपनी आंखें खोल उसे पूरी तरह देख रहा हो। गोपाल मित्र को आया देख राम ने अपने हाथ की पुस्तक रख दी और उसका स्वागत किया। आओ, क्या पढ़ा जा रहा है? गोपाल ने बैठकर वो पुस्तक उठा ली। ओ बाइबल, तो आजकल बाइबल का अध्ययन चल रहा है? हाँ, आजकल यही सब पढ़ रहा हूँ। पहले जो वैष्णव ग्रंथ हाथ लगे थे वो पढ़ डाले, फिर ब्रह्म संप्रदाय की पुस्तकें हाथ लगी, और अब ये। पहले तो सिवाय डॉक्टरी या रसायनिकी के और कोई पुस्तक तुम्हारे हाथ में देखी नहीं? गोपाल ने कहा। नहीं,
ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे नाटक में भी रुचि रही है, पर मैं बहुत जल्दी ही समझ गया था कि साहित्य में मेरी वैसी गति नहीं है जैसी विज्ञान में। राम का स्वर उत्साह शून्य हो गया, पर खोखी के जाने के बाद से मन में विज्ञान के प्रति भी कुछ अरुचि उत्पन्न हो गई। उससे मेरे मन को तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। इसलिए जिस किसी संप्रदाय का ग्रंथ मिल जाए उसी में शांति खोजने का प्रयत्न करता हूँ। तुमने अपने कुलगुरु से उपदेश ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं किया? वो तुम्हारी मानसिक शांति के लिए कुछ नहीं कर सकते। राम मौन रहा। मनमोहन भी बहुत व्यथित है, गोपाल ने कहा। जब से उसकी भी 7 महीने की कन्या का देहांत हुआ है वो विक्षिप्त सा हो उठा है। मुझे तो भय है कि कहीं वह आत्महत्या न कर ले। राम कुछ अन्य मनस्क सा उठा। हाँ, बहुत दुखी है वो भी। पहले वह कुछ तो आत्मसंतुष्ट था, अपने बाल्य मित्र राजमोहन की संगति में ब्रह्म समाज जाया करता था, कुछ अच्छे अच्छे विशेषण जोड़कर परब्रह्म की आराधना करता था और उसी को उपासना समझता था। किंतु मैंने ही अपने वैज्ञानिक युक्तियां दे देकर उसका वह मोहक स्वप्न जाल भंग कर दिया और अब मैं अपनी इस मानसिक स्थिति में उसे भी क्या शांत बना दूं? वो दोनों थोड़ी देर चुप बैठे रहे, जैसे सोच रहे हो कि मनमोहन को किस प्रकार सांत्वना की जाए। गोपाल को साथ लेकर राम जब मनमोहन के घर पहुंचा तो उसने उसे अत्यंत विचलित स्थिति में पाया। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मनमोहन ने कहा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्यों, क्या हो गया? तुम लोग बैठो, अभी बताता हूँ, मनमोहन बोला। मैंने आज प्रातः प्रभात बेला में एक स्वप्न देखा, अद्भुत स्वप्न। उसी से मैं आमूल चूल जैसे हिल गया हूं। पर स्वप्न क्या था? मनमोहन चुप रहा। वह स्वप्न अभी भी उसकी आंखों में तैर रहा था। उसके चेहरे पर जड़ीभूत भय के स्पष्ट लक्षण थे। आज प्रातः आंखें खुलने से पहले मैंने एक स्वप्न देखा कि संसार में जहां तक दृष्टि जाती है चारों ओर जल ही जल है, जैसे महाप्रलय हो गया है, सभी का प्राणांत हो गया। मैं परेशान था कि ये लोग सब कहां गए हैं, कि सहसा एक देववाणी गूंजी, संसार में कहीं भी कोई जीवित नहीं बचा है, सभी का प्राणांत हो गया। मेरे मन में आया, तो फिर मैं ही क्यों जीवित रहूं? इस संसार में इस प्रकार अकेले जीवित रहने का क्या लाभ? मेरे मन के उहापोह के उत्तर में पुनः देववाणी हुई, आत्महत्या पाप है। मैंने कहा, जब कोई भी नहीं रहा तो मैं किसके साथ रहूं? देववाणी ने उत्तर दिया, जो लोग भगवान को जानते हैं केवल वो ही जीवित हैं। मनमोहन ने रुककर राम और गोपाल पर अपनी दृष्टि टिकाई। तब से सोच रहा हूं कि वो लोग कौन है जो भगवान को जानते हैं और जीवित हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूं राम। राम स्थित दृष्टि से मनमोहन को देखता रहा, जैसे कुछ आंक रहा हो, और फिर बोला, तू क्या मानता है कि वो सचमुच कोई अलौकिक संकेत था? मुझे तो ऐसा ही लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तेरे मन के सायास और अनायास चिंतन का ही निष्कर्ष हो? गोपाल ने कहा, तुम्हारी भक्ति भावना ही तो इस रूप में नहीं बोली कि जो लोग भगवान को जानते हैं केवल वो ही जीवित हैं। ऐसा कुछ तो नहीं कहा जा सकता, मनमोहन बोला, किंतु मैं अब और इस प्रकार जीवित नहीं रह सकता। ब्रह्म समाज में भी मुझे सांत्वना नहीं मिल रही है। क्या तुम लोगों का ध्यान इस ओर गया कि केशव चंद सेन तथा अन्य ब्रह्म के नेता आजकल दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के एक साधु श्री रामकृष्ण परमहंस की चर्चा बहुत कर रहे हैं? इंडियन मिरर तथा धर्म तत्व में उनकी कोई न कोई चर्चा प्रकाशित होती रहती है। लगता है ब्रह्मा लोग स्वयं ही उनसे बहुत अधिक प्रभावित हैं। ये देखो, 1 अगस्त 1869 के धर्म तत्व में क्या प्रकाशित हुआ है। राम ने पत्रिका निकालकर पढ़ना आरंभ किया। भागवत पुराण में उल्लिखित भक्त के सारे लक्षण इस संत पर पूरे उतरते हैं। ईश्वर की स्तुति गाते हुए कितनी ही बार उनकी चेतना लुप्त हो गई है। वो एक शिशु के समान रोए और फिर उत्फुल्ल होकर
हंस पड़े। उन्होंने नृत्य भी किया। उनका स्वर अत्यंत मनमोहक है। वो पिछले रविवार को केशव चंद सेन के घर भी गए। वो सच्चिदानंद धन के उच्चारण मात्र से समाधिस्थ हो गए। जब वो समाधि में थे, उनका एक चित्र भी लिया गया है। राम ने पढ़ना बंद कर दिया, उनकी ओर देखा। राम, मनमोहन ने कहा, आज छुट्टी का दिन है, क्यों ना हम भी आज दक्षिणेश्वर चलकर उस संत के दर्शन करें? संभव है कि हमें भी उनके दर्शन से कुछ सांत्वना मिल सके। दक्षिणेश्वर में रानी रासमणि के काली मंदिर तक आने में उन्हें तनिक भी असुविधा नहीं हुई। नाविक ही उन्हें मंदिर के घाट तक छोड़ गया। घाट पर उतरकर मंदिर में आए तो उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि परमहंस को वो कहाँ खोजें। ना तो अलग से कोई विशिष्ट कमरा ही दिख रहा था जिसमें परमहंस के होने की संभावना थी, और ना ही किसी स्थान पर पंक्तिबद्ध होकर लोग किसी सिद्ध पुरुष के दर्शन करने बैठे थे। तो किससे पूछें? चांदनी में कुछ लोग खड़े थे। उन्हीं में से एक से पूछा, क्यों भाई, श्री रामकृष्ण परमहंस कृष्णदेव कहाँ हैं? उस व्यक्ति ने उन तीनों को बारी बारी से देखा और उनके प्रश्न का उत्तर देने के स्थान पर पूछा, पहली बार दक्षिणेश्वर आए हो? हाँ, राम ने सिर हिलाया, स्वीकृति दी। तभी इतना लंबा चौड़ा नाम पूछ रहे हो? वो व्यक्ति हंसा, पूछो ठाकुर का कमरा कौन सा है, यहाँ सब लोग उन्हें ठाकुर ही कहते हैं। अच्छा अच्छा, राम ने पुनः सिर हिलाया, ठाकुर का कमरा कौन सा है? उधर उत्तरी बरामदे में चले जाओ, सीधे वहीं पहुंच जाओगे, उस व्यक्ति ने संकेत किया। वो लोग लौट पड़े। कपाट अब भी भीड़े थे, किंतु अब और कोई उपाय नहीं था। शिष्टाचार विरुद्ध हो या कुछ भी हो, अब तो कपाट खटखटाने थे या ठेलने थे। राम ने कपाट पर हथेली रखकर उसे धीरे से धकेला, कपाट खुल गया। उन्होंने भीतर प्रवेश किया। सामने जो व्यक्ति बैठा था वह सामान्य साधुओं से भिन्न था। क्या ये ही हैं श्री रामकृष्ण देव परमहंस? ना उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा था और ना ही उनकी सामान्य साधुओं के समान बड़ी बड़ी जटाएं थी। चेहरे से भी वो कोई गहन गंभीर व्यक्ति नहीं लग रहे थे। चेहरे पर बाल सुलभ उल्लास लिए वे उत्सुकता से उनकी ओर देख रहे थे। उन्होंने लाल किनारी वाली सफेद धोती बांध रखी थी। बाल छोटे छोटे कटे हुए थे और दाढ़ी कुछ बढ़ी हुई थी। इससे पहले कि ये लोग उनका अभिवादन करते, ठाकुर ने ही स्वयं भूमि पर मस्तक लगाकर उन्हें प्रणाम किया। राम, गोपाल और मनमोहन अचकचाए से एक दूसरे को देखते रहे। उन्होंने स्वयं आज तक किसी साधु महात्मा इत्यादि को भूमिष्ठ होकर प्रणाम नहीं किया था। फिर यह कल्पना कैसे कर सकते थे कि ठाकुर उन्हें इस प्रकार प्रणाम करेंगे? इस स्वागत से के उत्तर में भी उन तीनों में से कोई भी उस प्रकार भूमि पर माथा टेक प्रणाम नहीं कर सका। उन्होंने पाश्चात्य ढंग से केवल थोड़ा सा सर झुकाकर अभिवादन किया। आओ आओ, यहां बैठो, ठाकुर ने अपने बिस्तर की ओर संकेत किया। उन तीनों की स्थिति नगर में पहली बार आए देहातियों की सी हो रही थी, जो वहां का आचार व्यवहार कुछ समझ नहीं पा रहे थे और वहां सब कुछ उन्हें अपनी अपेक्षा के विपरीत सा लग रहा था। फिर भी ना तो ठाकुर के आदेश की अवज्ञा करने की बात सोच रहे थे, ना उनके आग्रह की उपेक्षा करने की। वो लोग उनके आदेश के अनुसार उनके बिस्तर पर जा बैठे। संध्या समय ठाकुर से विदा लेकर वो लोग घाट पर आ गए और कलकत्ता लौटने वाली पहली नाव में बैठ गए। ऐसी प्रशांत मूर्ति, मधुर वार्तालाप, आडंबर शून्यता, सहज शंका समाधान, राम ने जैसे अपने आप से कहा, मैं तो मुग्धावस्था में ही बैठा रह गया। समय के इस प्रकार बीत जाने का मुझे पता ही नहीं चला। ओह, ऐसा युक्तिपूर्ण भगवत्व पहले कभी नहीं सुना। नास्तिकता तो इनके सामने टिक ही नहीं सकती। उन्होंने हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया मानो हम उनके अत्यंत आत्मीय और पुराने परिचित हों। मनमोहन ने अपनी राय प्रकट की। महापुरुष का यही तो लक्षण है
कि वो पूर्णतया अपरिचित व्यक्ति को भी क्षण मात्र में परम आत्मीय बना लेते हैं। राम ने निश्वास छोड़ा। जनवरी की एक सुबह थी। ऋतु ठंडी तो थी किंतु कष्टदायक नहीं थी। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता के बरामदों और परिसर में जैसे समय से पूर्व ही वसंत ऋतु आ गई थी। नया वर्ष आरंभ हुआ था। नए विद्यार्थियों ने कॉलेज में प्रवेश लिया था। पुराने विद्यार्थी भी अपने पिछले कक्षा पार कर नई कक्षा में आए थे। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। नरेंद्र अपने मित्रों के साथ बरामदे में एक ओर खड़ा था। उसने चपकन और पजामा पहन रखा था और कलाई में पिताजी की दी हुई घड़ी बांध रखी थी। तुम यही कपड़े पहनोगे? तरुण ने उससे पूछा। पश्चिमी वेशभूषा की तुलना में तो ये ही ठीक है, नरेंद्र बोला। पलटू इस विषय को लेकर कुछ अधिक ही विचलित था। बोला, ये लोग हमें धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनने देते? भाई, अंग्रेज साहब बहादुर का सरकारी कॉलेज है ये। अधिकांश अध्यापक या तो अंग्रेज हैं या फिर यूरोपियन है। नरेंद्र के स्वर में व्यंग की कटुता के स्थान पर परिहास का मत था। उन लोगों को हमारा धोती कुर्ता शिष्ट परिधान नहीं लगता, इसलिए या तो टाई के साथ पतलून और कोट पहनो या फिर चपकन और पजामा। नरेंद्र जोर से हंसा। और कलाई पर घड़ी भी होनी चाहिए। ये कलाई पर घड़ी की बात मेरी समझ में नहीं आई, अमल ने आपत्ति प्रकट की। कॉलेज में घंटी तो बजती ही है, फिर ये कलाई घड़ी? अरे, बंगालियों को समय की निष्ठा भी तो सिखानी है, वो बिना घड़ी के कैसे संभव है? नरेंद्र पुनः उच्च स्वर में बोला। इस सारे वार्तालाप से उदासीन माणिक कुछ गंभीर स्वर में बोला, और नरेंद्र, तुमने विषय कौन कौन से लिए हैं? मैंने विषय लिए हैं बंगला साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, गणित, तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान, अर्थात लॉजिक एंड साइकोलॉजी। न इतिहास में अधिक अंक मिलते हैं न साइकोलॉजी में, माणिक कुछ आपत्तिपूर्ण स्वर में बोला। तुमने ऐसे विषय क्यों लिए? नरेंद्र जोर से हंसा। अरे भाई, डरता हूँ कि कहीं अधिक अंक आ गए तो उन्हें कहाँ और कैसे संभालूंगा। मेरे पास इतना बड़ा कोई बटुआ तो है नहीं जिसमें अधिक अंक समा सके। तुम तो प्रत्येक बात को हंसी में उड़ा देते हो, माणिक बोला। मैं गंभीरता से पूछ रहा हूँ। प्रत्येक समझदार छात्र वही विषय लेता है जिसमें अच्छे अंक आए और प्रथम श्रेणी बने, और एक तुम हो कि? बात ये है कि जितने समझदार छात्र हैं ना, वो सब अंकों के लिए ही पढ़ रहे हैं, और मैं? और तुम क्या? पलटू ने पूछा। मैं पढ़ रहा हूँ ज्ञान के लिए। अरे, इसमें परिहास की क्या बात है भाई, ठीक ठीक बता रहा हूँ तुम्हें, नरेंद्र ने सबकी ओर देखते हुए बोला, जब उसे लगा कि सब उसका परिहास कर रहे हैं। परीक्षा में कहीं तुम्हारे अधिक अंक आ गए और उनके समतुल्य न तुम्हारा मानसिक विकास हुआ और न तुम्हारा ज्ञान बढ़ा, तो वो अधिक अंक तुम्हें लज्जित नहीं करेंगे क्या? बोलो, इसमें लज्जित होने की क्या बात है? संसार तुम्हारे अंक देखता है, तुम्हारा सर्टिफिकेट, अमल बोला। बात पूर्णतः गंभीर हो चुकी थी। लगा नरेंद्र ने भी परिहास की मुद्रा त्याग दी थी। उसकी वाणी में इस स्थिति के विरुद्ध खीज भरी हुई थी। पद के लिए अंक भी ठीक हैं, प्रतिभा के लिए नहीं। प्रतिभा को ज्ञान चाहिए। अंक दूसरों को प्रभावित करने के लिए हैं, ज्ञान अपने परितोष के लिए है। नरेंद्र, हम गंभीरता से पूछ रहे हैं, इस बार तरुण बोला। मैं गंभीरता से ही बता रहा हूँ। अरे, साइकोलॉजी और लॉजिक ही तो आगे चलकर फिलॉसफी में परिणत हो जाते हैं। बीए में दर्शन शास्त्र ले लूंगा, नरेंद्र ने उत्तर दिया। ओह, यदि इन विषयों में पढ़ाई से तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली तो? पलटू ने पूछा। नरेंद्र ने भरपूर दृष्टि पलटू पर डाली। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमें अपना विकास नहीं करना है, हमें नौकरी करनी है। नौकरी के लिए हमें अच्छे अंक चाहिए, ज्ञान हो
चाहे ना हो। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हम केवल वो विषय पढ़ते हैं जिनमें सुविधा से अधिक अंक मिल जाते हैं। वो विषय हमारे विकास में योगदान करे ना करे, हमें उसमें रुचि हो या ना हो, उन विषयों का भी हम उतना ही अध्ययन करेंगे जितना हमारे पाठ्यक्रम की बाध्यता है, और यदि संभव होगा तो पाठ्यक्रम के भी वो ही अंश पढ़ेंगे जो परीक्षा में आने वाले हैं। नरेंद्र ने रुककर अपने मित्रों को इस प्रकार देखा जैसे वह उनसे कोई कठोर बात कहने वाला हो। ये शिक्षा नहीं है। तो क्या है ये? अमल ने बोला, ये व्यवसाय है, व्यापार, धंधा कहते हैं इसको। नरेंद्र ने कुछ इस प्रकार कहा जैसे उसने अब तक अपनी कही हुई बात पर सत्य की मुद्रा अंकित कर दी हो। नरेंद्र अब सहज नहीं रह गया था। उसके चेहरे पर आवेश का स्पष्ट आभास था। नहीं, शिक्षा इसलिए होती है कि हम अपना शारीरिक और मानसिक विकास कर सकें। और जो व्यक्ति विकसित होकर भी कोई व्यवसाय नहीं कर पाया, वो किसी विशिष्ट विद्या का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। तुम्हारी बात तो मेरी समझ में नहीं आती, माणिक बोला। तुम सब कुछ उलझा कर रख देते हो। मैं तो एक सरल सा जीवन जीना चाहता हूँ। अज्ञान में प्रसन्न हो तो प्रसन्न रहो। कोलू के बैल के काम को व्यवसाय मानते हो तो मानो। नरेंद्र का आवेश उग्रतर हो गया। किंतु ना मैं जीवन को इतना संकीर्ण बनाना चाहता हूँ और ना शिक्षा का लक्ष्य इतना सीमित करना चाहता हूँ। मेरे मन में सहस्त्रों प्रश्न हैं। मुझे उन प्रश्नों के उत्तर चाहिए। अपनी शिक्षा से, अपने अध्यापकों से और नित्य प्रति प्रकाशित होने वाली पुस्तकों से। कैसे प्रश्न है तुम्हारे? पलटू ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा। संसार किसने बनाया, क्यों बनाया? नरेंद्र की भंगिमा कह रही थी कि उसके मस्तिष्क में इस प्रकार के असंख्य प्रश्न थे। इस विषय में मेरा ज्ञान अत्यंत स्पष्ट है, अमल बोला। मुझे निश्चित रूप से यह ज्ञात है कि यह संसार मैंने कभी नहीं बनाया। अमल अपनी बात पर स्वयं ही हंस पड़े। निमिष भर बाद अन्य सारे मित्र भी हंसी में सम्मिलित हो गए, किंतु नरेंद्र हंस नहीं पाया। उसे लगा कि उसके मन में इन लड़कों की इस मानसिकता के विरुद्ध क्रोध का जैसे एक भयंकर ज्वार उठा है, किंतु उसने स्वयं को सायास संयत किया। उसे क्रोध करने का कोई अधिकार नहीं था। उसने जैसे अपने क्रोध को बलात् गटक लिया और उन्हीं की मुद्रा में मुस्कुराकर बोला, और मैं दिन रात ये सोचकर परेशान हूँ कि इस संसार को कहीं मैंने ही तो नहीं बनाया। नरेंद्र ने जोर से अट्टहास किया, किंतु उसके मित्रों से ये छिपा नहीं रह सका कि ये मात्र उसका परिहास नहीं था। बहुत संभव है कि ये अट्टहास उनकी गंभीरता की तीव्रता का आवरण मात्र हो। अंधेरा हो गया था और कुसुमलता को अब तनिक भी भय नहीं था कि कोई उसे देख लेगा। अब तो वह अपने कमरे की लालटेन बुझाकर ठीक अपनी खिड़की पर निसंकोच खड़ी हो जाए तो भी किसी को पता नहीं चलेगा कि वह वहां खड़ी है और गली पार के उस मकान के ऊपर वाले कमरे में झांक रही है। सहसा वह मन ही मन हंसी। वह क्या सोच रही है? उसे खिड़की पर जाकर खड़े होकर देखना चाहिए। सारी शाम वो अपने कमरे में से इस या उस कोने से झांकने का प्रयत्न कर रही थी, किंतु उसे नरेंद्र की एक झलक भी नहीं मिली थी। वो जानती थी कि वो अपने कमरे में है। किसी आगंतुक से बातें करता हुआ उसका स्वर कुसुमलता को यदा कदा सुनाई दे जाता था, और या तो उसके मन में उल्लास का ज्वार फूट आता था या फिर पेट के भीतर किसी गहरे स्थल में मरोड़ किसी अनुभूति होती थी। वह तय नहीं कर पा रही थी कि नरेंद्र के इस प्रकार उसके इतने निकट होने की अनुभूति उसके लिए सुखद थी या कष्टकारक। पर यह द्वंद्व केवल उसी का तो नहीं था, कुसुमलता ने अपने मन को समझाया। मीरा भी तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कह चुकी थी, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत करे जनिकोए। यानी प्रेम का सुख शायद उसमें जलने की पीड़ा का ही है। आरंभ में कुसुमलता ये सब नहीं जानती थी। यह ही क्या
वह संसार के विषय में जानती ही क्या थी। वह यही जानती थी कि वह एक ब्राह्मण कन्या है और बाल विधवा है। उसके लिए सारे सांसारिक सुख निषिद्ध हैं और तपस्या ही उसका जीवन है। आज सोचती है तो वह अपने ऊपर भी हंसती है और अपने समाज पर भी। वह यह तो जानती थी कि भौतिक सुख उसके लिए निषिद्ध हैं, किंतु वह यह नहीं जानती थी कि भौतिक सुख होते क्या हैं। जो भोजन घर में बनता था वही वह खाती थी और उससे उसकी स्वादेंद्रिय की तृप्ति भी हो जाती थी। वह किसी और स्वाद को जानती ही नहीं थी, इसलिए अतृप्ति की अनुभूति भी उसे कभी नहीं हुई। वह जो वस्त्र पहनती थी उससे श्रेष्ठतर वस्त्र न उसने कभी पहने थे और न कभी उन्हें पहनने की कामना की थी। अब अन्य स्त्रियों को श्रृंगार और प्रसाधन में अनुरक्त देखती तो उसके मन में वितृष्णा ही जागती थी। क्या आवश्यकता है इस सारे तामझाम की, ब्रह्माडंबर की? और उन्हीं दिनों गली पार के सामने वाले मकान के उस ऊपरी कमरे में ये लड़का नरेंद्र बसा। नौकरानी को कमरे में सफाई करते देख उसे सहज उत्सुकता हुई। अंततः उसने पूछ ही लिया, क्या बात है लक्की, कमरे की सफाई क्यों हो रही है? कोई किराएदार आने वाला है दीदी, नौकरानी ने चलते चलते बताया। किराएदार? कुसुमलता की जिज्ञासा कुछ और प्रबल होने लगी। कैसा किराएदार? किसी भले घर का लड़का है, नौकरानी ने इटलाकर कहा। अपने परिवार की भीड़ भाड़ से बचकर अपनी पढ़ाई के लिए उसे ये कमरा चाहिए था। बहुत सुदर्शन पुरुष है दीदी। भले घर का लड़का, सुदर्शन पुरुष? इस बार उसका विवेक जिज्ञासा पर भारी पड़ा। उसे क्या लेना देना है इस बात से? कोई भी हो, उसे क्या? उसने अपनी ओर से तो उत्सुकता को पूर्णतः दबा दिया और लगभग भूल गई कि उसके कमरे की खिड़की के सामने गली पार कोई मकान भी है। किंतु संध्या समय जब उस कमरे में प्रकाश के साथ कुछ हलचल हुई तो कुसुमलता को लगा कि उसके भीतर की जिज्ञासा का शमन नहीं हुआ था। उसके भीतर की जिज्ञासा कुछ इस प्रकार आतुर और विह्वल होकर सक्रिय हो उठी थी, जैसे कोई शांत सोया व्यक्ति जागकर अतिरिक्त रूप से चंचल हो उठे। तभी उसे एक नवयुवक कमरे में कुछ सामान सरियाता दिखाई दिया। वह उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, किंतु उसका शरीर स्वस्थ और हष्टपुष्ट था। उसे स्थूल चाहे ना कहें, किंतु शरीर भरा हुआ अवश्य था। वह पुस्तकों को झाड़ पोंछ कर सजा रहा था और साथ ही साथ कुछ गुनगुनाता जा रहा था। अपने मन के इस रूप को पहली बार देखा था कुसुमलता ने। वह इतना आतुर क्यों था उस नवयुवक का चेहरा देखने के लिए, और क्यों व्याकुल था उसके शब्द सुनने के लिए? उसकी निर्लज्जता इतनी मुखर थी कि कुसुमलता स्वयं ही झेप गई। क्या रुचि थी उसकी इस नवयुवक में? उसे क्या लेना था देना था उससे? कुसुमलता खिड़की से हट गई। अपने मन के इस विद्रोह को देखकर वो डर गई। क्या यह उसका मन था? और यदि यही था उसका मन, तो उसकी ताड़ना ही नहीं, उसको दंडित होना चाहिए था। यह क्या किसी सुशील नारी का मन था, उस ब्राह्मणी का जो बाल विधवा थी? वह अपने कमरे के द्वार की ओर बढ़ी। वह नीचे चली जाएगी, ना इस कमरे में रहेगी और ना उसका मन जिज्ञासु होकर इस प्रकार की अनुचित उछल कूद मनाएगा। किंतु नीचे जाते जाते भी उसके पग अपने कमरे के द्वार पर रुक गए और उसकी आंखों ने मुड़कर अपनी खिड़की से देखा। वह नवयुवक अपने कमरे के मध्य में लालटेन ऊपर उठाए कुछ इस ढंग से खड़ा था कि सारा प्रकाश उसी के चेहरे पर पड़ रहा था। कुसुमलता को लगा कि वह उसे अपना चेहरा दिखाने के लिए ही इस प्रकार खड़ा है। उसकी धमनियों में जैसे रक्त जम गया। सामने खड़ा नवयुवक साधारण नहीं था। उसकी ये बड़ी बड़ी आकर्षक आंखें, गोरा रंग, भरा हुआ चेहरा, काले चमकदार बाल। अपनी स्तब्धता से उभरी तो कुसुमलता जैसे अपने रंग रूप और वेशभूषा पर झेप उठी। कहीं उसने उसे इस रूप में देख लिया तो क्या सोचेगा वह उसके विषय में? कैसी फुअर लड़की है वह?
फिर उसने अपने आप को कोसा। क्या सोचेगा उसके विषय में, वह उसे जानता ही कहाँ है। और कुसुमलता को लगा कि अपना वैधव्य भी उसे कभी इतना बड़ा दुर्भाग्य नहीं लगा था जितना उस नवयुवक का उसे नहीं जानना। वह उसके अस्तित्व से भी परिचित नहीं है, उसे कैसे मालूम होगा कि उसके इतने निकट इस दीवार के पीछे कुसुमलता नाम की एक अभागिन भी रहती है जो उसके चेहरे से अपनी आंखें हटा नहीं पा रही है। कुसुमलता का मन कुछ स्थिर हुआ तो उसका विवेक जागा। ये सब उचित नहीं है कुसुम, पाप है ये सब। कन्या तो फिर भी किसी पुरुष की कामना कर सकती है, किंतु विधवा, विधवा को ये अधिकार नहीं है। किंतु वह कामना कहाँ कर रही थी, उसके अपने विवेक को भरमाया उसने। वह तो केवल उत्सुकतावश सामने आए किराएदार को देख रही थी, किंतु ना तो विवेक को ही कोई भ्रम था और ना कुसुमलता के मन को। वो जानती थी उसका मन किसके लिए लालायित हो रहा था। अंततः मन ढीठ हो गया और अपने कमरे की लालटेन बुझाकर वह निर्द्वंद रूप से सामने के कमरे की ओर झांकने लगी। किंतु कुछ ही दिनों में कुसुमलता को अपनी यह उपलब्धि अपर्याप्त लगने लगी। उसने स्वयं को पहचाना। पिछले वर्ष जब अपने माता पिता के साथ पुरी गई थी तब भी उसकी यही स्थिति थी। पहले पहल तो वह तट को बालू पर बैठकर बहुत दूर तक सागर को देखती थी। कितना सुंदर था सागर, कितना विशाल। उसे देखते ही व्यक्ति के मन पर उसका आतंक भी छा जाता था और व्यक्ति उस पर मुग्ध भी हो जाता था, जैसा कि नरेंद्र को देखने पर उसके साथ हुआ था। उठती गिरती लहरों की थोड़ी थोड़ी देर देखने के पश्चात उसकी तृप्ति जैसे छीज गई और उसकी इच्छा होने लगी कि वह अपनी यह तटस्थता छोड़े और सागर के निकट जाए। किंतु तृप्ति इतने से नहीं होगी, जब लहरों से हाथ पाँव भीग जाएं, तो उसकी इच्छा हुई कि वह लहरों के साथ सागर के वक्ष पर तैरे, उनके साथ डूबे और इतराए, वह पूरी की पूरी सागर को समर्पित हो, उसका मन तन उसकी आत्मा और सागर पूरा का पूरा उसका हो, और जहां चाहे सागर की लहरों पर तैरती फिरे वो। किंतु तभी माँ ने उसकी बांह पकड़कर उसे पीछे घसीट लिया था। चल अब पानी से निकल, ऐसा ना हो कि लहरें तुझे बहाकर ले जाएं और हम तट पर ही टापते रह जाएं। कुसुमलता की बहुत इच्छा थी कि वह कहे, माँ अब तो कब से चाह रही हूं कि सागर मुझे अपनी बांह में ले ले, किंतु ये सब कह सकना सरल नहीं था। आज नरेंद्र को देखने के पश्चात से कुसुमलता की फिर वही स्थिति हो आई थी। अब वह तट पर बैठी नहीं रह सकती थी, उसे अपनी तटस्थता छोड़नी ही पड़ेगी। वह इस सागर को देखना ही नहीं चाहती, वह उसमें भीगना भी चाहती है, उसे पीना चाहती है, उसमें डूबना चाहती है। किंतु कुसुमलता के मन में बैठी लज्जा ने जैसे उसे जगा दिया था। क्या सोच रही है कुसुमलता, वह समझ भी रही है कि क्या है उसके मन में। ये मनोज है, काम, यह पुरुष संग की इच्छा है। नरेंद्र पर पुरुष है, कुसुमलता विधवा है। यह संग कभी नहीं होगा, इसकी अनुमति कोई नहीं देगा, न परिवार न समाज न धर्म। कुसुमलता अपनी ग्लानी का सामना नहीं कर पाई। संध्या समय कुसुमलता की तंद्रा टूटी। अपने कमरे में नरेंद्र मधुर स्वर में गा रहा था, रमैया बिन नींद ना आवे, नींद ना आवे विरह सतावे, प्रेम की आंच ढुलावे, बिन पिया जोत मंदिर अंधियारो, दीपक दाय ना आवे, पिया बिन मेरी सेज अलूनी, जागत रैन बिहावे। कैसा मधुर स्वर था और कितनी पीड़ा थी उसमें। याचना का यह स्तर कुसुमलता को एक दूसरी प्रकार की ग्लानी ने घेर लिया। वह सामने बैठे कमरे में पुकार रहा है और वह अपने व्यर्थ के ऊहापोह में घिरी बैठी है। उसे तो समझ ही लेना चाहिए था कि नरेंद्र उसे पुकार रहा है। कुसुमलता तो समझ बैठी थी कि वह उसे जानता ही नहीं है। कितनी बार उसके मन में यह कसक भी उठी थी कि वह उसे निरंतर निहारती रहे और नरेंद्र की दृष्टि ने कभी उसे देखा ही नहीं। किंतु नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जानता है
कि सामने के कमरे में कुसुम है। आज वह चारपाई पर ही लेटी रही, उठकर खिड़की पर खड़ी नहीं हुई। तो कैसा करुण गीत गा रहा है वह, अपनी आत्मा की सारी पीड़ा कुछ थोड़े से शब्दों में ही उड़ेल दी है उसने। कुसुम लता को लगा अब वह अपने आप को रोक नहीं पाएगी। वह स्वयं अपने आप को चाहे कितनी भी पीड़ा दे ले, किंतु वह नरेंद्र को इस प्रकार तड़पा नहीं पाएगी। ये पाप है, उसे लगा जैसे कृष्ण की बांसुरी सुनकर गोपियां रुक नहीं पाती थी, वैसे ही नरेंद्र के इस आह्वान के पश्चात अब वह रुक नहीं पाएगी। उसे नरेंद्र के पास जाना ही होगा। अंधकार कुछ गहरा ले, गली एकांत हो जाए, सीढ़ियां चढ़ते ही वो उसके कमरे में पहुंच जाएगी। आज वह अपने चंद्रमा को अपनी भुजाओं में भर लेगी। सागर के समान हाहाकार मचाकर धरती पर अपना सर पटकने का क्या लाभ। गली में एकांत हो गया। कुसुम लता उठ खड़ी हुई। उसने अच्छी तरह बाल सवारे, बढ़िया रंगदार धोती बांधी, कानों, गले और कलाई में कुछ आभूषण पहने। वह अभिसार के लिए जा रही थी तो इसे कुछ श्रृंगार तो करना ही होगा। उसके पग आगे बढ़े ही थे कि उसका विवेक जैसे किसी भयंकर नाग के समान फन उठाए मार्ग में खड़ा हो गया। जाने से पहले कुछ सोच ले कुसुम लता, तू अपना सर्वनाश करने जा रही है। ये प्रेम नहीं, ये काम वासना है। तू शरीर सुख चाहती है, पुरुष संग। कुसुम लता संकुचित नहीं हुई, वह निर्द्वंद भाव से बोली, मैं जानती हूं मैं क्या करने जा रही हूं। काम वासना है, किंतु ये भी देव भाव है। काम भी तो देवता हैं, उनकी पूजा होती है। यदि आज मेरे मन में मनसिज अवतरित हुआ है तो कौन सा पाप हो गया। यदि मेरे शरीर में काम ज्वर जागा है तो कुछ अप्राकृतिक हो गया क्या। तुम्हारे लिए यह अप्राकृतिक ही है, उसके विवेक ने कहा, तुम विधवा हो। कोई मुझे चाहे विधवा पुकारे, किंतु मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझमें कोई विकार नहीं आया है, मैं पूर्ण और स्वस्थ नारी हूं। उसने अपने विवेक को झिड़क दिया। कहीं किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं, न कभी जाना, किंतु समाज ने उसे मेरा पति मान लिया। मृत्यु उसकी हुई, मेरी नहीं। मैं जीवित हूं और स्वस्थ हूं। मैं किसी को वंचित करने नहीं जा रही, उल्टे समाज ने ही मुझे वंचित कर रखा है। मेरी प्राकृतिक आवश्यकताओं के अधिकार को भी छीन लिया है। उसका विवेक जैसे सहम कर दुबक गया। कुसुम लता सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। परिवार के सब लोग सो चुके थे और चारों ओर अंधकार था। गली निर्जन पड़ी थी, कहीं कोई खटका नहीं था। नरेंद्र के कमरे तक ले जाने वाली सीढ़ियों के कपाट भिड़े हुए थे, कहीं भीतर से बंद ही ना हो। यदि कहीं ऐसा हुआ तो उसका यह सारा दुस्साहस व्यर्थ हो जाएगा। किंतु यदि द्वार बंद ही रखना था तो इतनी पीड़ा से याचना भरे स्वर में आने का निमंत्रण क्यों दिया। नहीं, कपाट बंद नहीं होंगे। उसने कपाट पर अपनी हथेली रखकर धकेला। कपाट भीतर से बंद नहीं थे। कुसुम लता नरेंद्र की चतुराई पर मुग्ध हो उठी। उसने कुसुम लता का मात्र आह्वान ही नहीं किया था, उसके आने के लिए द्वार खुला रखा था ताकि कहीं कोई कठिनाई ना हो। नरेंद्र के कमरे का द्वार उन्मुक्त खुला था। कमरे में अभी प्रकाश भी था। वह कोई पुस्तक लिए भूमि पर चटाई बिछाए बैठा था। कितनी कलात्मक मुद्रा थी, प्रिया की प्रतीक्षा थी। वह मन ही मन मुस्कुराई। यह सरस्वती की साधना ही थी अथवा काम प्रिया रति की। कुसुम लता द्वार के ठीक बीचोंबीच जाकर खड़ी हो गई। उसकी इच्छा हुई कि कहे, साधक तेरी साधना पूरी हुई, उठ देख साक्षात रति तुझे वरदान देने के लिए उपस्थित हुई है। नरेंद्र का ध्यान उछटा। उसने दृष्टि उठाकर देखा, बीच द्वार एक किशोरी खड़ी थी। वह उसे नहीं जानता था, किंतु वह अकेली उसके कमरे के द्वार पर खड़ी थी। रात का समय था, सब ओर एकांत था। किशोरी विशेष प्रयत्न से प्रसादन करके आई थी। नरेंद्र उठने के प्रयत्न में घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ जुड़े हुए थे।
बोलो माँ, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? कुसुम लता के पग ठिठक गए। माँ, वह उसे माँ कहकर संबोधित कर रहा था। कैसा सात्विक भाव था उसके मुख पर। कुसुम लता पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। उसे लगा जैसे भरी हाट में वो अपनी किसी भूल के कारण कोई भयंकर निर्लज्जता का कार्य कर बैठी हो। बोलो माँ, नरेंद्र ने पुनः कहा, मैं अपनी माँ के समान ही तुम्हारी सेवा करूंगा। आदेश तो अपने पुत्र को आदेश देने में संकोच कैसा? कुसुमलता ने देखा, अभी थोड़ी देर पहले तक उसके मन में जो मनोज कुसुमों के आयुध लिए वीर वेश में खड़ा था, जिसके मुख पर मधु और आंखों में मद था, जिसने पुष्प संभार कर रखा था और जो विश्व विजयी मुस्कान से सुशोभित था, उसे नरेंद्र की एक दृष्टि ने सर्वथा अशोभनीय, कलुषित तथा पापिष्ट बना दिया। नरेंद्र एक दृष्टि जैसे त्रिनेत्र की दृष्टि थी, जिसके खुलते ही काम दहन हो गया था। कामदेव की दिव्य आभा मलिन ही नहीं हो गई थी, मल में परिणत हो गई थी। उसे अपने आप से घृणा होने लगी थी। कुसुमलता उल्टे पांव लौट पड़ी। उसे अपना सारा शरीर सर्वथा अपवित्र लग रहा था और मन तो पाप की खान ही था। उसने डाली भी तो किस पवित्र आत्मा पर पाप दृष्टि डाली? उसके मन में कलुष भी जागा तो किस तपस्वी के लिए? भूल थी उसकी, वह उर्वशी बनकर उसे रिझाने चली थी तो कम से कम ये तो देख लेती कि कहीं ये अर्जुन तो नहीं है। नरेंद्र को लगा एक भयंकर दुष्ट ग्रह प्रकट हुआ तो था, किंतु अपना प्रभाव दिखाए बिना ही जैसे अस्त हो गया। फिर भी उसका इस प्रकार अकेले घर में स्वतंत्र रूप से रहना सर्वथा सुरक्षित नहीं है। ये कोई तपोभूमि तो थी नहीं, कलकत्ता नगर था। उसके आसपास मानव समाज था और मनुष्य के मन में वासना का होना कोई अस्वाभाविक तो नहीं। वह चाहे किसी की कामना ना करे, किंतु वह तो किसी का आकांक्षे हो सकता था। उसने निश्चय किया कि वह कल ही अपना सामान उठाकर नानी के घर चला जाएगा। नरेंद्र अपनी पुस्तकों के साथ अपनी नानी के घर पहुंचकर कमरे पर आधिपत्य जमा चुका तो विश्वनाथ को सूचना मिली। विश्वनाथ को नरेंद्र का व्यवहार कुछ विचित्र लगा। उसे वो कमरा छोड़ना ही था तो उनसे बातें तो करता, यदि उसे कोई असुविधा थी तो उसे दूर करने का प्रयत्न करते, वो मकान मालिक से भी चर्चा करते। ठाकुर माँ उसे मना कर देती क्या? उन्होंने उसे ऊपर के तल्ले पर एक कमरा खोल दिया। नरेंद्र अपने सामान के साथ वहां जम गया। भोजन के समय वह घर आया तो विश्वनाथ ने पूछा, वो कमरा क्यों छोड़ दिया? वहां कुछ असुविधा थी, नरेंद्र ने सहज भाव से उत्तर दिया। वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या असुविधा थी, विश्वनाथ बोले। पड़ोसियों के व्यवहार के कारण मेरी तन्मयता भंग होती थी, नरेंद्र बोला। आप चिंतित ना हो, मैं ठाकुर माँ के घर पर मजे में हूँ। जानता हूँ, विश्वनाथ बोले, किंतु तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि यदि तुम्हें ठाकुर माँ के घर ही छोड़ना होता तो मैं अलग से तुम्हारे लिए कमरा किराए पर क्यों लेता? यदि तुम्हें वो कमरा असुविधाजनक लग रहा था तो मुझे बताते, मैं तुम्हारे लिए किसी और कमरे की व्यवस्था कर देता। नहीं, कोई कमरा नहीं चाहिए, नरेंद्र का सारा शरीर जैसे सिहर उठा। मैं ठाकुर माँ के घर पर ही रहूंगा, विश्वनाथ उससे अपनी असुविधा कह नहीं पा रहे थे। वह अपनी असुविधा उन्हें बता नहीं रहा था। कुछ खींच कर बोले, मानव समाज में रहना है तो पड़ोसियों की थोड़ी बहुत असुविधा तो रहेगी। तुम्हारे कारण किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए। तुम भी तो दिन भर बाजा लिए बैठे रहते हो, क्या उससे किसी को असुविधा नहीं होती? नरेंद्र को लगा उसके पिता जानबूझकर क्रूर होने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि वह कुछ उगल दे, किंतु वह उन्हें क्या बताता? बताने योग्य होता तो अब तक कब का बता चुका होता। अंततः विश्वनाथ को ही हारना पड़ा। वो जानते थे कि नरेंद्र जब अड़ जाता है तो उसे डिगाना कठिन होता है। वह अभद्र नहीं होता, किंतु कठोर तो हो ही जाता है। वो अपना विरोध जता सकते थे और क्रोध भी दिखा सकते थे, किंतु उपयुक्त तर्क के अभाव में नरेंद्र अपनी बात से टलता नहीं
और विश्वनाथ के पास नरेंद्र को हटाने के लिए कोई तर्क नहीं था। नानी के घर में नरेंद्र को पढ़ने में भी सुविधा थी, गाने की भी और ध्यान करने की भी। गौरमोहन की गली में अपने घर पर प्रायः उसे ध्यान करने से पहले कमरा बंद कर लेना पड़ता था। कमरा बंद देखकर मान लिया जाता था कि वह पढ़ रहा है। नरेंद्र ने इस विषय में न कभी स्वयं कुछ कहा और न ही किसी भ्रम निवारण का प्रयत्न किया। एक तो ये घोषणा करने की आवश्यकता ही नहीं थी कि वह ध्यान कर रहा है, और यदि भ्रम का प्रत्याख्यान करने के लिए वह यह प्रचारित करता कि वह कमरा बंद करके पढ़ता नहीं, ध्यान करता है, तो बहुत संभव है कि अनेक लोगों की उत्सुकता जाग जाती और वो लोग देखना चाहते कि वह ध्यान कैसे करता है। नरेंद्र ने अनुभव किया कि अब उसे पढ़ने से कहीं अधिक आनंद ध्यान में आता है। पढ़ने का आनंद एक प्रकार का बौद्धिक आनंद था, वह मन में एक प्रकार की सक्रियता उत्पन्न करता था, रजोगुणी सक्रियता। अध्ययन से प्राप्त ज्ञान से मन आत्मलीन नहीं होता था, वह उसको अभिव्यक्ति भी देना चाहता था, उसकी चर्चा करना चाहता था। ध्यान से मन जैसे शांत और आत्मलीन हो जाता था, वह किसी और के सम्मुख अभिव्यक्ति की आतुरता से उद्वेलित नहीं हो जाता था, उसमें से जैसे क्रिया बहिष्कृत हो जाती थी और वह एक प्रकार की पूर्णता का अनुभव करता था। नरेंद्र ने अनुभव किया कि अवलंब शून्य करके मन को स्थिर रखते समय अंतर में एक प्रशांत आनंद की धारा प्रवाहित होती थी। ध्यान भंग होने पर भी उसके प्रभाव से नशे में विभोर रहने का सा भय बना रहता था, जैसे किसी वाद्य यंत्र की अनुरणन ध्वनि देर तक परिवेश में व्याप्त रहे। उसकी इच्छा नहीं होती थी कि आसन छोड़कर उठ जाए और चारों ओर व्याप्त समाधि के इस अनुरणन भाव को छिन्न भिन्न कर दे। यह तो आकाश पर व्याप्त इंद्रधनुष को आलोड़ित कर वायुमंडल में विलीन कर देने का सा अपराध था। नरेंद्र उसकी तंद्रा में डूबा हुआ जैसे प्रकृति की परम शांति का अनुभव करता था। उस दिन भी नरेंद्र ध्यान में बैठा तो उसका मन तत्काल ही भली भांति तन्मय हो उठा। वह कितनी देर ध्यान में बैठा रहा इसकी चेतना उसे भी नहीं थी। अंत में जब ध्यान भंग हुआ तो उसकी चेतना लौट लौट कर उसी प्रकार वापस तन्मय हो जाना चाहती थी, जैसे नींद में अलसाया हठी बालक माँ के बार बार जगाने पर भी वापस बिस्तर पर जा लेटता था। वह जानता था कि ध्यान भंग हो चुका है और अब उसे उठना ही है, किंतु शरीर था कि जैसे इस निर्णय को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। ये आलस्य नहीं था, आनंद था। आनंद खंडित करने का क्या लाभ। सहसा कमरे में उसे प्रकाश का आभास हुआ, किंतु ये साधारण लालटेन का प्रकाश नहीं था। इस प्रकाश में ताप नहीं था, वह प्रकाश अपने अस्तित्व से काली छायाएं नहीं बना रहा था। दरवाजा अब भी बंद था, किसी ने ना उसे खटखटाया था ना खोला था, किंतु जैसे दक्षिण दीवार में से दिव्य आलोक से घिरी हुई एक आकृति कमरे में प्रवेश कर गई थी। ये प्रवेश नहीं था, नरेंद्र का मन पूछ रहा था, ये अवतरण था, आविर्भूति थी, प्रकटीकरण था। क्या था ये? उस मूर्ति के मुखमंडल पर अद्भुत ज्योति थी, किंतु कोई भाव नहीं था। वह प्रशांत सन्यासी मूर्ति थी, स्तंभित कर देने वाली प्रशांत उदासीनता युक्त अंतर्मुखता। शरीर पर गेरुआ वस्त्र, मुंडित मस्तक, हाथों पर दंड कमंडल। सन्यासी कुछ कहने के लिए तत्पर हो रहे थे। वो नरेंद्र की ओर बढ़े। नरेंद्र की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब उसके मन का भ्रम था या सचमुच कोई चमत्कार घटित हो रहा था? वह सत्य था? उसके मस्तिष्क का विकार था या प्रेत विद्या थी? अकस्मात ही नरेंद्र के मन में एक विचित्र प्रकार का भय अंकुरित हुआ और क्षण भर में उसने नरेंद्र के मन को इस सघनता से अभिभूत कर लिया जैसे कोई छोटी सी बदली बात ही सारा आकाश व्याप्त कर ले।
पर नरेंद्र के साहस को इस बार तनिक भी विभ्रम नहीं हुआ। वह दृढ़ स्वर में बोला, साधारण प्राकृत जन होते तो कपाट खटखटा कर ही क्यों, नीचे सीढ़ियों से ही उसे पुकारते हुए आ जाते। किंतु वो साधारण सन्यासी नहीं थे। नरेंद्र कमरे में लौट आया। सन्यासी अब वहां नहीं थे। नरेंद्र कमरे के बाहर ही तो खड़ा था, पर उसने उन्हें बाहर निकलते नहीं देखा। वो बाहर निकले ही नहीं थे, या बाहर निकलते हुए उन्होंने स्वयं को अदृश्य कर दिया था। जो पक्की ईंटों की दीवार में से अपना स्थूल शरीर आसपास निकाल सकता है, क्या वह मानवीय आंखों से स्वयं को अदृश्य नहीं कर सकता? तो क्या वो चले गए या यहीं कहीं हैं और दिखाई नहीं दे रहे? नरेंद्र को अपनी मूर्खता पर ग्लानि हुई। ऐसे अवसर बार बार आते हैं क्या? उसने तो अपनी नासमझी में स्वयं ही अपनी ऐसी क्षति कर ली। जाने अब वो कब प्रकट होंगे या नहीं होंगे। नरेंद्र पुनः अपने स्थान पर जा बैठा। उसने ध्यान की मुद्रा भी बनाई, किंतु उसकी प्रतीक्षा फलीभूत नहीं हुई। वह बैठा सोचता रहा। सन्यासी तो उसने बहुत सारे देखे थे, किंतु ऐसे अपूर्व श्रीमुख का भाव किसी ने कभी नहीं देखा था। वह चेहरा तो जैसे उसके चित्त पर सदैव के लिए अंकित हो गया था। नरेंद्र के मन ने विश्वास कर लिया कि अब वो प्रकट नहीं होंगे। उनकी प्रतीक्षा व्यर्थ थी। यह उनकी कठोरता नहीं, नरेंद्र के द्वारा दिखाई गई उपेक्षा ही थी जिसने उन्हें उससे विमुख कर दिया था। पर वे कौन थे जो इस प्रकार दया कर उसे अपने दर्शन देने आए थे? उन्होंने अपने विषय में कुछ नहीं बताया था, ना ही वो अपने पीछे कोई प्रमाण छोड़ गए थे। किंतु नरेंद्र की अंतर प्रेरणा कह रही थी कि शायद वो भगवान बुद्ध थे, करुणा के पूंजीभूत रूप भगवान बुद्ध। नरेंद्र ने लक्ष्य बना लिया था कि उसे आज संध्या तक पुस्तक समाप्त करनी ही थी। अध्ययन की इच्छा इतनी बलवती थी और पुस्तकों का भंडार इतना विराट था कि पढ़ने की मंथर गति से उसे संतोष नहीं होता था। इस गति से तो 9 दिन चलकर 250 कोसी पहुंचा जा सकता था। कितने जीवन लग जाएंगे ऐसे इन पुस्तकों का अध्ययन करने में। उसने अपना ध्यान पुस्तक पर केंद्रित किया। व्यर्थ की बातें सोचने का क्या लाभ? पहले दूसरे शब्दों से ही वह जैसे स्वयं को एकाग्र करने में सफल हो जाता था और वाक्य पूरा होते न होते तल्लीनता की स्थिति में पहुंच जाता था। सहसा उसका ध्यान भंग हुआ। अनुच्छेद के पहले 2 वाक्य पढ़ लेने पर उसने जो कुछ ग्रहण किया था, अनुच्छेद पूरा हो जाने के पश्चात भी उससे अधिक तो उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। पर क्यों? क्या लेखक के बाद के वाक्यों में कुछ लिखा ही नहीं था? उसने उसी अनुच्छेद को पुनः पढ़ा। प्रत्येक वाक्य में लेखक कुछ न कुछ नया कहता ही गया। तो फिर नरेंद्र सहसा सजग हो उठा। ये कैसे हुआ? पर हुआ तो यही है। पहले 3 वाक्यों को पढ़कर ही उसने मन में लेखक के संपूर्ण भाव को ग्रहण कर लिया था। वह उसकी तर्क पद्धति को इस पूर्णता से अंगीकार कर चुका था कि लेखक के तर्क के आरंभ से ही वह उसकी पूर्णता को जान गया था। नरेंद्र को कुछ विस्मय हुआ। ये इसी एक अनुच्छेद के साथ हुआ है या हर बार ऐसा होगा? उसने प्रयोग अगला अनुच्छेद आरंभ किया। इस बार भी यही हुआ। आरंभ के 2 वाक्य पढ़कर ही पूरी बात उसकी समझ में आ गई। अगले वाक्य उसके लिए अनावश्यक थे। प्रयोग के लिए नरेंद्र ने अगले अनेक अनुच्छेदों के आरंभिक 2-3 वाक्य तथा अंत के 2-3 वाक्य पढ़े और उसने देखा कि सचमुच ही उसे पूरा का पूरा अनुच्छेद पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जैसे वह अक्षरों अथवा शब्दों को ना पढ़कर पूरा वाक्य एक साथ पढ़ता था, उसी प्रकार उसे पंक्ति पंक्ति ना पढ़कर पूरा अनुच्छेद एक साथ ग्रहण करना चाहिए था। हाँ, वह उसे ग्रहण करना ही कहेगा, पढ़ना इससे भिन्न होता है। आरंभ में उसे थोड़ा विस्मय अवश्य हुआ, थोड़ी उत्साहजनक
उत्तेजना भी हुई, किंतु वह शीघ्र ही सहज हो गया। इसमें कुछ बहुत असाधारण नहीं था। कोई भी चित्रकार किसी व्यक्ति के चेहरे को एक एक बिंदु अथवा एक एक रेखा कर ग्रहण नहीं करता, वो भी तो एक संपूर्ण चेहरे को एक बार देखता है और अपनी आंखों के माध्यम से उसे अपने मन में ग्रहण कर लेता है। फिर उसे पुनः उस चेहरे को देखने की आवश्यकता नहीं रहती, वो अपनी आंखें बंद करके भी उस चेहरे की कल्पना कर सकता है तथा कागज पर उसका चित्र बना सकता है। साधारण व्यक्ति ये नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी तथा चित्रकार की पद्धति में ही अंतर है। तो नरेंद्र पुस्तक को उसी प्रकार ग्रहण कर रहा था जैसे कि चित्रकार एक आकृति अथवा दृश्य को ग्रहण कर सकता है। संभव है नरेंद्र की ये एकाग्रता उसके ध्यान के अभ्यास के कारण हो। रविवार का दिन था। नरेंद्र ब्रह्म समाज की प्रार्थना सभा से ही अपने मित्रों के साथ नगर भ्रमण के लिए निकल गया था। उसे लगता था कि अपने मित्रों के साथ कलकत्ता भ्रमण अथवा गंगा में देर तक जल क्रीड़ा का उसका यह अभ्यास उसकी शैशवकालीन उद्दंडता का ही कोई अवशेष था, या फिर ये उसकी अपनी ऊर्जा का कोई भीषण उच्छलन था जिसके प्रभाव में वह सहज मर्यादित जीवन की सीमाओं को तोड़कर कोई असाधारण हलचल का कार्य करना चाहता था। वह चाहे अनवरत घूमते रहना हो, लगातार चिल्लाते रहना हो, अथवा देर तक पानी से मल युद्ध करते रहना हो। जब वह यह सब करता था तो उसके मन में कोई ना कोई कोना उसे सचेत करता रहता था कि वह एक प्रकार के दौरे सी किसी स्थिति में है। माँ उसे बहुधा बताया करती थी कि उसके शैशव में उसे कभी कभी विनाश के दौरे पड़ा करते थे, जब वह हाथ में आई प्रत्येक वस्तु पटक कर तोड़ दिया करता था। और अब उसे विनाश के दौरे नहीं पड़ते, वो तोड़ फोड़ नहीं करता, पर हाँ ऊर्जा का विस्फोट तो होता ही था। आज सुबह ही उन्होंने किराए की घोड़ा गाड़ी ली थी और सारे लड़के घंटों गाते बजाते गला फाड़ते सारे नगर में घूमते फिरे। फिर बड़ी देर तक वो लोग गंगा में तैरते रहे, उधम मचाते रहे। शाम को लौटकर नरेंद्र जब घर आया तो उसे कुछ थकान सी लगी। यही नहीं, वह थकान कुछ ज्यादा ही थी। पहले भी वह अपने मित्रों के साथ सैर सपाटे के लिए जाया करता था, किंतु इस प्रकार टूटन का अनुभव तो उसने कभी नहीं किया था।